नमस्कार। आज हम रघुवीर शाहे की चीथड़ा चीथड़ा मैं कविता की व्याख्या करेंगे। चीथड़ा चीथड़ा मैं कविता रघुवीर शाहे जी की एक उद्देश्यपूर्ण कविता है। कविता के माध्यम से उन्होंने लोकतंत्र का एक विसंगतिपूर्ण चित्रण किया है। उन्होंने अपनी दरिद्रता के बहाने देशव्यापी दरिद्रता का चित्रण करते हुए अमीरी व गरीबी के बीच बढ़ी खाई का सजीव दृश्य उपस्थित किया है। वह कहता है कि आज स्थिति यह है कि एक तरफा तो बाजार भांति भांति के वस्त्रों से भरा पड़ा है, दूसरी तरफ उसके जैसे लोग हैं जिनके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं हैं। उनके पहनने वाले कपड़े चीथड़ों का रूप धारण कर चुके हैं। दरिद्रता ने गरीब व्यक्ति को चीथड़ा बना दिया है। कविता के माध्यम से कवि ने स्पष्ट किया है कि संसार में एक तरफ तो धनवान लोग हैं जो तरह तरह के वस्त्रों को जोड़कर अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करते हैं, तथा दूसरी तरफ वे निर्धन लोग हैं जो तन ढकने पर कपड़ा प्राप्त कर अपने को धन्य समझते हैं। वस्तुतः देश में स्वतंत्रता के बाद अमीर गरीब के बीच बढ़ी खाई तथा गरीबों की अत्यधिक दुर्दशा का चित्रण करना ही इस कविता का उद्देश्य है। कविता पढ़ते हैं। अब देखो बाजार में एक ढेर है चीथड़ों का, और एक मैं हूं कि जिसके चीथड़े सब एक जगह नहीं। वे मेरी धजियां कहाँ गई, खोज कर लाओ उन्हें, सिरहाने रात को रख जिसको सोया था डब कागजों से। इन पंक्तियों में कवि रघुवीर शाही जी कहते हैं कि एक तरफ तो बाजार है जहाँ तरह तरह के वस्त्रों का ढेर लगा हुआ है, दूसरी तरफ वह है जिसके वस्त्र चिथड़ों का रूप धारण कर चुके हैं, तथा वे सब एक स्थान पर नहीं है। उसे यह ज्ञात नहीं है कि चिंदी चिंदी हो चुके उसके कपड़े कहाँ चले गए। वह चाहता है कि कोई उसके चिथड़े हो चुके वस्त्रों को खोज लाए, और वह अपने उन चिथड़े बन चुके वस्त्रों को डब कागजों की भांति अपने सिरहाने रखकर सोया था, परंतु अब उसे वो नहीं मिल रहे। तो कवि ने लोकतंत्र में व्याप्त अमीर गरीबी की विसंगति का सजीव रूप से चित्रण किया है। मैं चिथड़े हो गया हूँ, यही मेरी पहचान है, चीथड़ा चीथड़ा मैं जानता हूँ कि मैं एक हूँ एक अदद, पर मैं उन चीथड़ों को देखना चाहूँगा। एक अदद का अर्थ होता है एक इकाई। तो इन पंक्तियों में कवि कहता है कि अपनी दरिद्रता और अभावों के कारण उसके कपड़ों ने ही चीथड़ों का रूप धारण नहीं कर लिया है, अपितु स्वयं भी चीथड़ा हो गया है। गरीबी के कारण वह ऐसा ही हो गया है, यही चिथड़ापन उसकी पहचान बन गई है। कवि कहता है कि वह जानता है कि आज वह चिथड़ा चिथड़ा हुए व्यक्तियों में से एक इकाई मात्र है। उसके जैसे असंख्य दरिद्र लोग इस देश में हैं, इसलिए वह अपने जैसे चिथड़े चिथड़े हुए अन्य असंख्य लोगों को भी देखना चाहता है। देशव्यापी दरिद्रता का बड़ा ही सजीव चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है। उनको जमा करो, अरे कुछ मेरे हैं और कुछ मेरे नहीं, वे मेरी धजियां नहीं हैं, पैबंद थे लोग शान शौकत दिखाते हैं, दुनिया भर के चीथड़े जोड़कर मुझको बस इतने ही चाहिए, खुला रहे बदन जिन्हें ओढ़कर। तो इन पंक्तियों में कवि ने अपनी दरिद्रता की निशानी अपने फटे पुराने वस्त्रों को, जिन्हें वह चिथड़ा कहता है, लोगों से एकत्रित करने का आग्रह करता है। वह लोगों से कहता है कि उन चिथड़ों में से कुछ चिथड़े उसके हैं तथा कुछ उसके नहीं हैं। वह अपने चिथड़ों को चिंदी चिंदी धजियां नहीं मानता, अपितु कहता है कि वास्तव में वे चिथड़े उसके फटे पुराने वस्त्रों के पैबंद थे। अतः अंत में कवि कहता है कि इस संसार में लोग संसार भर के भांति भांति के वस्त्रों को जोड़कर अपनी शान शौकत अर्थात ऐश्वर्य प्रतिष्ठा दिखाते हैं, लेकिन उसे तो बस इतने वस्त्र ही अपेक्षित हैं जिससे वह अपने तन को एक कर सके
या ढक सके, परंतु अपने मुख को खुला रख सके। तो कवि ने यहाँ पर देशव्यापी दरिद्रता के साथ अपनी अपरिग्रहता का भी परिचय दिया है। भाषा सहज सरल व भावानुकूल खड़ी बोली है, तद्भव शब्दावली का कवि ने यहाँ पर प्रयोग किया। रघुवीर शाही ने प्रसाद गुण का भी जिक्र किया है। प्रसाद गुण इसके काव्य में सर्वत्र व्याप्त है, लेकिन काव्य के जो तीन गुण हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण, तीनों गुणों का कहीं ना कहीं इसके काव्य में मिश्रण है। सामान्य विषयों वाली कविताओं के लिए प्रसाद गुण, भक्ति, श्रृंगार, शांत, वात्सल्य आदि रसों की कविताओं के लिए माधुर्य तथा वीर रोद्र व भयानक रसों वाली कविताओं के लिए ओज गुण को श्रेष्ठ बताया जाता है। हालांकि स्वतंत्रता के बाद के कवियों की काव्य गुणों में कोई विशेष रुचि नहीं है, रघुवीर शाही जी की काव्य गुणों की अपेक्षा बिंब और प्रतीक पर अधिक ध्यान देते हैं, फिर भी अनायास रूप से उसके काव्य में तीनों गुणों का समावेश हो जाता है। तीन जो गुण होते हैं वो भाषा को सरलता, माधुर्य और कठोरता प्रदान करते हैं। अलग अलग भाव वाली कविताओं के लिए अलग अलग काव्य गुणों की आवश्यकता होती है। अलंकार योजना। रघुवीर शाही जी की अलंकारों के प्रति, वैसे तो ये उदासीन थे, रघुवीर शाही जी भी अलंकारों के प्रति कुछ विशेष मोह नहीं रखते थे। जैसे स्वतंत्रता के बाद के कवि थे, ये सारे ही उदासीन हैं अलंकारों के प्रति, लेकिन फिर भी इन्होंने रघुवीर शाही जी के जो कविता है उसमें अनायास ही अलंकार भी उपस्थित हो जाते हैं। फिर भी उनकी कविताओं में अनेक शब्द व अर्थ अलंकारों का प्रयोग भी देखने को मिल जाता है। बिंब। रघुवीर शाही जी की अपने अभिव्यक्ति के लिए बिंबों का अत्यधिक प्रयोग किया है। इन्होंने कई कविताओं में तो दृश्य बिंब, ऐन्द्रिक अनुभूति पूरक व अभिव्यंजनापरक बिंबों का मुक्त हस्त प्रयोग देखा जा सकता है इनके काव्य में। और इनके काव्य में दृश्य बिंब, नाद बिंब, सर्वे बिंब और अनुभूति पूरक बिंब अनायास ही उपलब्ध हो जाते हैं। छंद और लय। रघुवीर शाही जी ने छंद का भी कविता में खूब इस्तेमाल किया है। उनका मानना है कि कविता को सर्वे भी होना चाहिए और सर्वे होने के लिए छंद मदद भी करता है। इन्होंने अपनी कविताओं में उन्होंने छंदों के अनेक प्रयोग भी किए हैं। रघुवीर शाही ने छंदबद्ध व छंद मुक्त दोनों तरह की कविताएं लिखी हैं। उनकी कुछ मुक्त कविताएं गद्य के करीब होने का एहसास देती हैं, लेकिन लय को उन्होंने कविता से कभी गायब नहीं होने दिया। उन्होंने कविताओं में लय के अनेक स्तर अपनाए हैं। उनमें पारंपरिक छंदों वाली लय भी हैं और एकदम बोलचाल की भाषा का की भी लय है। शैली। शैली होती है उस विधि ढंग या तरीके से होता है। शैली से अभिप्राय वो विधि ढंग या तरीका होता है जिसके माध्यम से कोई साहित्यकार अपनी बात कहता है। शैली के विविध रूप तथा नाम हैं। रघुवीर शाही जी ने अपनी बात को उसके कथ्य के अनुरूप अलग अलग शैलियों में ढालकर कहा है। उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति के लिए वर्णनात्मक, विचारात्मक, प्रतीकात्मक, भावात्मक, संवादात्मक व आत्मकथात्मक आदि शैलियों का प्रयोग किया है, लेकिन विचारात्मक शैली उनकी प्रिय शैली है। तो इस प्रकार से कवि रघुवीर शाही जी के काव्य का अभिव्यक्ति पक्ष भी उनके अनुभूति पक्ष की तरह सशक्त और सुदृढ़ है। उन्होंने अपनी भाषा की सरलता, सहजता व संप्रेषणता के लिए अनेक प्रयोग। धन्यवाद।